कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर मुझे पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर अपने करियर को डेवलप करना है, तो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। आज डिटेल में समझते हैं इस पूरे वीडियो में कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग यानी पीईबी के अंदर आप करियर कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बीआईएम स्ट्रक्चर्स और पीईबी में देख रहे हैं कि आपको अच्छा करियर के जॉब ऑप्शन मिले, उसके लिए आपको हमारा एक चैनल है जॉब्स गाइड, जॉब्स गाइड चैनल पर चले जाना। यहाँ से आप वेबसाइट से भी हमारे जा सकते हो, ठीक है। जॉब्स गाइड चैनल पर अगर आप जाते हो तो जॉब्स गाइड चैनल से आप ढेर सारे पीईबी के, बीआईएम के और स्ट्रक्चर्स के ढेर सारी ओपनिंग्स आप पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सवाल दोस्तों, मैं हूं अश्विन, आप देख रहे हैं इंग्लिश मिक्स सेल्फ। गाइस लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि बीआईएम के अंदर किस तरीके से करियर बना सकते हैं, कंप्लीट रोड मैप आपको बताया था, उसके साथ ही साथ उसके पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से करियर बना सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर मुझे पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर अपने करियर को डेवलप करना है, तो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। आज डिटेल में समझते हैं इस पूरे वीडियो में कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग यानी पीईबी के अंदर आप करियर कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बीआईएम स्ट्रक्चर्स और पीईबी में देख रहे हैं कि आपको अच्छा करियर के जॉब ऑप्शंस मिले, उसके लिए आपको हमारा एक चैनल है जॉब्स गाइड, जॉब्स गाइड चैनल पर चले जाना। यहाँ से आप वेबसाइट से भी हमारे जा सकते हो, ठीक है। जॉब्स गाइड चैनल पर अगर आप जाते हो तो जॉब्स गाइड चैनल से आप ढेर सारे पीईबी के, बीआईएम के और स्ट्रक्चर्स के ढेर सारी ओपनिंग्स आप पा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि जो हम लोग किस तरीके से पीईबी के अंदर करियर बना सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पीईबी में वर्क कर रही है, और साथ ही साथ क्या एक एवरेज सैलरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे मिल सकती है, डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट करिए, साथ ही साथ अगर वीडियो कंप्लीट अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा जरूर। उससे क्या होता है गाइस, हमें पता चलता है कि अच्छा आपको पसंद आ रहे हैं इस तरह की वीडियोस, और भी ढेर सारे ऐसे वीडियोस टॉपिक्स ले आने चाहिए। साथ ही साथ आपका भला होता है, साथ आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग की सारी कम्युनिटी का भला होता है। तो मैं चाहूंगा प्लीज डू कमेंट, क्योंकि आप सबको पता है कि साइट इंजीनियरिंग पर किस तरीके से जॉब चल रही है। अब आपके पास कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि बीम स्ट्रक्चर्स और पीईबी और प्रीकास्ट, यही तीन चार अच्छी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप एक व्हाइट कॉलर जॉब पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि पीईबी में करियर किस तरीके से बना सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए जिससे कि पीईबी में करियर बन सके, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पीईबी वैसे जैसे कुछ लोगों को नहीं पता और बता दूं, दैट इज कॉल्ड गाइस प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। इस तरीके का आपने ढेर सारे वेयर हाउसेस देखे होंगे, ठीक है, स्टेडियम्स देखे होंगे, पार्किंग्स देखे होंगे, आप मेट्रो स्टेशन पर गए होंगे तो मेट्रो देखा होगा आपने, एयरपोर्ट पर गए होंगे तो एयरपोर्ट देखा होगा आपने। ये सारे आजकल जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दैट इज योर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। ये गैस ये हमेशा टैपर्ड सेक्शन में होते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर, तो ये हमेशा टैपर्ड सेक्शन में होते हैं, ठीक है। ये देखो ये टैपर्ड सेक्शन है, ये टैपर्ड सेक्शन है। वैसे तो इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। ये क्या है आपका कॉलम है और ये आपका राफ्टर, ठीक है। थोड़ा सा स्केच हमारा ज्यादा हो गया है, कम कर देते हैं। तो ये गैस राफ्टर है, कॉलम है, और बेसिकली इसमें जो डिजाइन किया जाता है गैस, वो किया जाता है मोमेंट के बेसिस पर। जहां पर मोमेंट ज्यादा आता है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा आप, ठीक है, यहां पर जहां पर आपको ज्यादा मोमेंट आता है वहां पर ज्यादा स्टील क्वांटिटी प्रोवाइड कर देंगे, जहां मोमेंट कम आता है वहां पर कम कर देंगे। तो एज पर द बेंडिंग मोमेंट आपका ये पूरा का पूरा डिजाइन होता है। इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसका स्कोप क्या है, क्योंकि पहले तो हम लोग आई सेक्शन लगा के बनाते थे जो स्टील के सेट्स वगैरह होते थे। गैस जो आई सेक्शन या जो कन्वेंशनल टाइप का वेयर हाउस वगैरह बनाते थे या मेट्रो स्टेशन जो भी चीजें बनती थी, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, उसमें जहां पर मोमेंट कम है वहां पर भी सेक्शन सेम होता था, जहां पर मोमेंट ज्यादा है वहां पर भी सेम होता था। उससे क्या होता था, आपका एक्स्ट्रा स्टील सर्च मतलब वहां पर कंज्यूम होता था। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को यूज करेंगे तो देखेंगे आप, जहां पर भी देख रहे होंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये टैपर सेक्शन है, ठीक है। अब टैपर सेक्शन मतलब यहाँ मोमेंट ज्यादा आ रहा था यहाँ ज्यादा मोमेंट प्रोवाइड कर, यहाँ ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर कम आ रहा था यहाँ पर कम प्रोवाइड कर दिया। इससे क्या होता है गाइस, इससे 30% स्टील की सेविंग हो जाती है। मतलब अगर कहीं पर 100 टन स्टील से वेयर हाउस बनने वाला था, नाउ 70 टन स्टील से बन जाएगा, कितनी बड़ी बेनिफिट है। दूसरी साथ ही साथ क्या अच्छी चीज है गाइस, इसमें सब कुछ कंपनी से असेंबल होकर आता है और आके ऑन साइड लग जाता है। एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा ओवरऑल। आप डिटेल में चाहते हैं पीईबी के ऊपर कि सर पीईबी होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्राइमरी मेंबर क्या होते हैं, पर्लिन क्या होते हैं, सेकेंडरी मेंबर क्या होते हैं, राफ्टर क्या होता है, सैगिंग रॉड्स क्या होती हैं, ब्रेसिंग्स क्या होती है, कनेक्शंस कौन कौन से लगते हैं, अगर ये भी चाहिए तो जैसे मैंने बीआईएम के बारे में बोला था कि पार्ट टू अगर आपको चाहिए तो एडवांस करके कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैगिंग रॉड से लेके ब्रेसिंग से लेके स्काईलाइट से लेके वेंटिलेटर से लेके एवरीथिंग आपको इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। आज मेरा मेन फोकस है कैरियर को लेके कि इसमें कैरियर कैसे बनाए। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको देखने में सर गैस इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लगता है हाँ सर मैं ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करना चाहता हूँ जहाँ मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हों, जहाँ पर वेयर हाउसेस हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, तो फिर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए
शुरू करते हैं स्टार्टिंग करने के लिए गाइस। देखिए अगर आपको कैरियर बनाना है दोस्त, तो उसके लिए कुछ चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा पीईबी के अंदर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना पीईबी के अंदर कैरियर नहीं बन सकता, सॉफ्टवेयर की बात कर ले फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो दैट इज योर फर्स्ट वन इज ऑटोकैड। जितनी भी स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग होगी गाइस वो होगी किसके अंदर, ऑटो कैड के अंदर। ऑटो कैड आप बोलोगे सर मैंने ऑटो कैड आता है भाई, वो ऑटो कैड नहीं, वो आपने क्या पढ़ा हुआ है आरसीसी कॉलम के बारे में, आरसीसी बीम के बारे में, प्लानिंग के बारे में, वो यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। इस ऑटो कैड का डिफरेंट प्लान होता है, ठीक है। वैसे तो मैं इसका एक गुरुकुल बैच भी लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि सर डिटेल में पीईवी का पूरा गुरुकुल बैच लेके आइए 4 महीने वाला, जिस तरीके से बीआईएम का है, तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि हम बहुत दिन से काफी लोग बोल रहे हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार काफी लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं जरूर उसके बारे में सोचूंगा। तो पहले तो गाइस ऑटो कैड, ऑटो कैड में क्या, बोल्ट किस तरीके से ऑटो कैड को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सेट्स ड्रॉ करते हैं, राफ्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्रेसिंग्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें कनेक्शन कैसे लगाते हैं ऑटो कैड के अंदर, ये पूरा डिटेल इसका ऑटो कैड एकदम से डिफरेंट है, मतलब उसकी स्केचिंग ही पूरी डिफरेंट है, वो आना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको इसके अंदर किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पीवी डिजाइनर बनना चाह रहे हैं तो भाई साहब इस सॉफ्टवेयर के बिना संभव नहीं है डिजाइनर बनना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम यानी स्टैट प्रो। अब बोलो सर स्टैट प्रो तो मुझे आता है ना भाई, वो स्टैट प्रो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर जो स्टैट प्रो वर्क करता है उसमें, मतलब स्टैट प्रो ही रहेगा जो आप वीएटआई यूज करते हो, कनेक्ट यूज करते हो, क्या उसके अंदर प्रिपेयर करना है, उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वेयर हाउसेस के, मेट्रो स्टेशन के, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं एयरपोर्ट के, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कि हम गोडाउन कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कि रेलवे के सेट्स कैसे बनाएंगे, उनकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, वो भी पीईवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब मोमेंट कहाँ ज्यादा है तो कैसे चेक करेंगे, अच्छा वहां स्टील ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ मोमेंट कम है तो यहाँ स्टील कम प्रोवाइड कर देते हैं, क्या रेशियो मेंटेन करेंगे जिससे कि वो अच्छे से हमारा पीईवी का सेट बन जाए। सपोज अभी पीईवी का कॉलम कैसा होगा गाइस, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब ये पीवी का कॉलम है, कैसे पता चला यहां पर अगर मोमेंट सबसे ज्यादा है तो यहां पर स्टील कितना प्रोवाइड करूं, यहां पर मोमेंट कम है तो यहां स्टील कैसे प्रोवाइड करूं, मतलब सेव कैसे करूं स्टील को, क्योंकि सेविंग करने के लिए एक्चुअली गाइस अगर इसकी थोड़ा डेप्थ अगर आपको चाहिए एडवांस तो बताइएगा जरूर, अभी मैं चाह तो रहा हूं लेकिन बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो पीवी का जो कॉन्सेप्ट है गाइस ये यूएसए से आया हुआ है, ठीक है, अगर आप एडवांस बोलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। वहां पर स्टील बहुत कॉस्टली होता है, तो वो स्टील के पैसे सेव करना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने पीईवी का कॉन्सेप्ट सर्च किया और आपके सामने पीईवी आया हुआ है। कैसे आया, क्या आया, अगर पूरी हिस्ट्री चाहिए तो एडवांस जरूर लिखना, जिससे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब पीवी का पार्ट टू जरूर से जरूर बनाऊं, ठीक है गाइस। तो एक तो ऑटोकैड आपको चाहिए, एक तो स्टैट प्रो चाहिए एंट्री करने के। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो ये दोनों सॉफ्टवेयर सफिशियंट है स्टैट प्रो के अंदर एंट्री कर सॉरी पीईवी के अंदर एंट्री करने के लिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, नहीं सर मैं थोड़ा बड़ा करियर देखना चाहता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर इसके अंदर अपग्रेड कर लीजिएगा गाइस, दैट इज कॉल्ड टिकला। ये तीन सॉफ्टवेयर अगर आपको पीवी के अंदर आ रहे हैं, अब कोई आपको रोक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप ऑटो कैड के अंदर 2D डिटेलिंग्स कर देंगे, स्टैट प्रो के अंदर पूरी डिजाइनिंग कर देंगे मोमेंट के अकॉर्डिंग, टेक्ला के अंदर पूरी डिटेलिंग कर देंगे भी 3D के अंदर, अब आपको कौन रोक पाएगा, मतलब आपको 2D भी डिटेलिंग आती है, 3D डिटेलिंग भी आती है और एनालिसिस भी आता है, नाउ यू आर परफेक्टली सुटेबल फॉर द पीवी प्रोफाइल। अब बोलोगे सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछेंगे, क्या कॉन्सेप्ट पूछेंगे आओ बता देते हैं, ठीक है भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ, ठीक है साइड नहीं करूंगा, नहीं तो बोलोगे सर आपने साइड कर दिया उसको, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए साइड नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड विंड एनालिसिस, विंड एनालिसिस, ठीक है। इसके बिना कोई भी पीवी को सुटेबल तरीके से डिजाइन ही नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप इसको होर्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं, वहां तक आपको विंड वेयर हाउस बन रहे हो, वहां पर विंड, मतलब विंड इसका सबसे बड़ा जान है। आप बोलोगे सर विंड तो मुझे आता है, विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वीवी इक्वल टू के वन इंटू क्या क्या होते हैं, वी वी इज इक्वल टू वीवी के वन के टू के थ्री और के फोर, तो हमें पता है कि के वन क्या होता है, के टू क्या होता है, के थ्री, भैया वो आपको स्टैटिक विंड एनालिसिस पता है, क्या पता है, स्टैटिक विंड एनालिसिस, बड़े बड़े वेयर हाउस के अंदर डायनेमिक विंड एनालिसिस पता होना चाहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने इसका एक, अगर आपके पास यूनिक्स सिविल ऐप है, नहीं है तो नीचे यहाँ पर एक लिंक दे दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर एक मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में दिखाया था पीबी में डायनेमिक विंड एनालिसिस करना पड़ता है। शायद पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो आप जान लीजिए भैया डायनेमिक विंड एनालिसिस के अंदर लगेगा, ठीक
जो आप विंड पढ़ के जाते हो, नो डाउट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में उनसे काम हो जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, वो वेयर हाउस है, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन है, वहां पर डायनेमिक विंड एनालिसिस के बिना डिजाइन नहीं की जाती है। तो विंड एनालिसिस नॉर्मल पढ़िए, स्टैटिक वाला जो आपको पता है सॉरी K1 क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर्स है, K2 क्या है, ठीक है, K3 क्या है, तो ये आपको तो पता है, सॉरी K1 है रिस्क कोफिशिएंट, K2 क्या है आपको टोपोग्राफी फैक्टर, K3 क्या है आपका टेरिंग कैटेगरी, ठीक है, K4 क्या है साइक्लोन के अकॉर्डिंग आप लगाते हो, ठीक है, VV क्या है बेसिक बिल्ड स्पीड, हर जगह का अपना अलग अलग है, एज पर IS 875 Part 2, ठीक है, तो आप उसमें तो पढ़ ही सकते हैं 3 है, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर, और उसमें विंड एनालिसिस पढ़ सकते हैं, उसके अलावा डायनेमिक विंड एनालिसिस पढ़िए, तब जाके आप इसके अंदर सुटेबल हो पाएंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आपको विंड एनालिसिस पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस इसके अंदर कनेक्शंस, कनेक्शंस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ब्रेसिंग्स लगा रहे तो वहां पर क्या कनेक्शन लगाएंगे, सैग रॉड पे क्या कनेक्शन लगाएंगे, पर्लिन पे क्या कनेक्शन लगाएंगे, आप पैनल्स लगाएंगे तो पैनल में कौन सा कनेक्शन लगाएंगे, तो कनेक्शन इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसमें अगर बात करें लास्ट, तो बेंडिंग मोमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, बेंडिंग मोमेंट किस फ्रेम पर कहां पर कितना आएगा, अगर आप बेंडिंग मोमेंट के साथ पढ़ रहे हैं तो सीयर भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, बट बेंडिंग मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, शीयर वॉल शीयर के बारे में अच्छे से, शीयर फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कनेक्शंस के बारे में, डायनेमिक विंड और स्टैटिक विंड, इतना एंट्री करने के लिए सफिशियंट है गाइस। नो डाउट नॉर्मल पीईवी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है, पीईवी का बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना मत जाना, ठीक है, पीईवी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पढ़ना, पीवी बेसिक कॉन्सेप्ट, विंड एनालिसिस, डायनेमिक विंड एनालिसिस, कनेक्शंस, बेंडिंग मोमेंट के बारे में, सीएफ के बारे में, आप आराम से सिलेक्शन लेके आओगे। आप लोग सर बेसिक पीवी में क्या पढ़ेंगे, बेसिक पीवी में कॉमन कॉमन चीजें, जैसे गाइस की प्राइमरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉलम और आफ्टर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ लीजिए, पैनल क्या होता है, सैग्रॉड क्या होता है। अगर आपको चाहिए कि सर इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एडवांस टॉपिक बना दीजिए, नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के अंदर आएगा, कमेंट बस आपको करना है, तो कमेंट करिए, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूं। तो चलो मैंने बता दिया आपको कि पीवी में कैरियर बनाने के लिए इतना चीज पढ़ लेंगे तो कैसे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोर नहीं करूंगा, फटाफट ले चलता हूं कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं इसके अंदर और क्या सैलरी पैकेज मिल सकता है। तो चलो दोस्त फटाफट चलते हैं, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं सर अब बस करिए, जल्दी बता दीजिए, नहीं तो फिर अभी हमें नीचे नोटिफिकेशन आ रहा है, लैला मुन्नी के डांस आ रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, तो देख लो भैया, लेकिन अगर काम की चीज देखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ठीक है जी, ओके ठीक है। तो गाइस ये है पीवी डिजाइनर्स की ओपनिंग्स, तो जो पीवी डिजाइनर्स इसमें चल रहे मार्केट में उनका जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी है वो गाइस वो कितना है, वो 3.3 लाख है, ठीक है, एवरेज मेरा अकॉर्डिंग से 3 के ऊपर ही रहा है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पीवी के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। गाइस मैंने पीवी के पहले मैंने गुरुकुल बैच चलाई थी आज से लगभग 1.5 साल पहले, तो काफी बच्चों ने अप्रिसिएट किया था और बहुत उनको अच्छा भी लगा था, कई लोगों को उसके अंदर जॉब लगा था, तो जनरली 3 लाख के ऊपर ही सबके जॉब्स लगे थे, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये। दूसरी चीज आपको जानना है कि सर इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, तो नीचे आ जाना, या mission.com वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना दोस्त, और यहाँ पर आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा पॉपुलर कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पीवी के अंदर हैंडल कर दिए गाइस। देखिए जामिल स्टील बिल्डिंग्स इन इंडिया, ठीक है, 4.7 का इनका एवरेज पैकेज है गाइस, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस करके 2.6 का है, फिनिक्स कंस्ट्रक्शन करके 4.9 का है, स्काई टेक है 3.8 का, एवरेज का 8.8 का, वन का विल्डकॉन डिजाइनर्स है 1 लाख, मतलब छोटी कंपनी होगी, ठीक है, पिनर इंडस्ट्रीज है उसका 6.4 का, कोनार, इस तरीके से पूरी लिस्ट है, आप आराम से इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं, इनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं कैरियर्स में जाके, साथ ही साथ इनके लिंक्डइन फॉलोइंग्स पर जा सकते हैं, लिंक्डइन पर जाके लोगों से बात कर सकते हैं कि सर आपके यहाँ अगर कोई ओपनिंग है तो हमारे रिज्यूमे को रिफर कर दीजिए। ये था पीईवी का, मैंने बेसिक्स आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं जो मेरे एडिटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज सर 10 मिनट के ऊपर वीडियो मत बनाया करिए, लोग देखते नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, तो भैया अगर बोर होते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आपको एडवांस टॉपिक भी चाहिए पीईवी के अंदर कि सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, तो बताओ मुझे अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ आपको बताऊं, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए ना गाइस, कि अभी आप 20 मिनट का वीडियो बनाइए आप देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो लाइक करना, लाइक करने के बाद एडवांस लिख के कमेंट करना, और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो कार्य पूरा कैसे लग रहा है आपको, BIM वाला भी आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर्स वाला भी देखा होगा, नहीं देखे हो तो जाके फटाफट देख लो, शायद यहाँ पर आ जाएगा, हाँ यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ से जाइए हमारी वेबसाइट से, यूनिक सिविल पर चले गए,
ठीक है। यहाँ पर गाइस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पीवी का पूरा एडवांस में, मैंने 20 मिनट में यहाँ बताया था, उसर बीआईएम का और 13 मिनट में यहाँ बताया था, फिर उससे पहले मैंने स्ट्रक्चर्स का बताया था, आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स का भी बहुत ज्यादा पसंद किया था, मुझे अच्छा लगा था कि चलिए आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तभी मजा आता है गाइस। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, जॉब्स ओपनिंग चाहिए तो जॉब्स गाइड पर चले जाइएगा, यूनिक सिविल एक आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप अच्छा करियर ग्रोथ पाना चाहते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है गाइस, बीआईएम का जो न्यू बैच है 4 मंथ वाली जो इंटर्नशिप चलती है गुरुकुल की, जिसे आप लोग बहुत प्यार करते हो, उसकी न्यू बैच 10 जुलाई से और स्ट्रक्चर्स की 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो नीचे कमेंट करके, नीचे नंबर दिया हुआ उस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।